ओम शांति, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 22 अक्टूबर के ईश्वर वरदान की, जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम एक विश्व कल्याणकारी आत्मा बन करके जो भी कर्म करें, जो भी सेवा करें, उसमें हमें जो फल प्राप्त होता है उसकी खुशी हो हमें। और वो फल तब प्राप्त होता है जब हम पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने ही नहीं और सिर्फ अपने आजू बाजू के कुछ लोगों के लिए ही नहीं। तो हमें अपना ऑक्यूपेशन जब पता चलता है कि हम सिर्फ अपने ही भले के लिए और सिर्फ आजू बाजू के कुछ लोगों के भले या फैमिली के भले के लिए नहीं है, जबकि कहा जाता है कि चैरिटी बिगेंस एट होम ओनली, लेकिन स्टार्ट वहां से और सोच विश्व तक की। तो परमात्मा क्या कहते हैं इस चीज के बारे में, उसको हम समझें और इसमें हमें फायदा क्या है वो भी हम समझें। परमात्मा कहते हैं कि अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे कि कोई अगर पुलिस वाला होगा, आर्मी वाला होगा, या कोई मिनिस्टर होगा, या कोई अगर जनरल सेक्रेटरी होगा या सीईओ होगा, उसको कभी भूलेगा नहीं कि मैं कौन हूं जब वो अपना कर्म कर रहा होता है। उसी तरीके से हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए जब हम दुनियावी काम कर रहे होते हैं, ये ना भूल जाए कि हम विश्व के कल्याण करने के लिए यहाँ पर आए हैं इस दुनिया में। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा विजय का था, तो पांडवों को जब बोला गया था कि आपको ये राजधानी नहीं मिलेगी, तो वो चले गए थे और वो साधारण कर्म करना शुरू किया उन्होंने। किसी ने नौकरी करी, किसी ने चाकरी करी, किसी ने कुछ किया, लेकिन उनको हमेशा नशा था कि हम विजयी होके ही रहेंगे। तो ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, परमात्मा जैसे कि कोई अगर नौकरी कर रहे हो उनके बारे में कह रहे हैं, तो अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर आप एक गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूं, कि मुझे जहां पर भी परमात्मा रखा है वहां पर मुझे सेवा करने के लिए रखा है। सेवा मतलब क्या, मुझे अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार, अच्छे संस्कार, अच्छे शक्तियों को इस्तेमाल करके परमात्मा की दी हुई अच्छे तरीके से मुझे दिखाना है कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव हो सकता है, और जब सिचुएशंस बिगड़ जाए तब हम परमात्मा के गुण और शक्तियों से सॉल्यूशन पा सकते हैं, ये सेवा। फिर परमात्मा कहते हैं, नौकरी करते हो लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे। समर्थ मतलब हम केपेबल बन जाएंगे कि हम औरों की सेवा कर पाए, औरों को गाइड कर पाए, और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। सेवा का अगर भावना है अंदर से, अगर भावना, जैसे माँ को अपने बच्चे का ख्याल रखने की भावना होती है अंदर से, तो अगर ये भावना हो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। बल किससे मिलेगा, संगठन से बल आता है और परमात्मा से बल आता है। अकेले रह जाएंगे अगर मैं करेंगे तो बल नहीं मिलेगा, और अगर मैं करके दिखाऊंगा तो फिर परमात्मा से भी बल नहीं मिलेगा और कर्म का फल भी ठीक नहीं मिलेगा। गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। क्या गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है। अगर आपकी भावना है औरों का भला करने की, और सिर्फ अपने आप को नहीं आगे रखने की है लेकिन औरों को आगे रखने की अगर आपकी भावना है तो उसका फल मिलता है। तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी, अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का फल देगी। तो उसका फल किसको मिलेगा, आपके भी भाग्य में आएगा। लेकिन इतनी सोच आगे होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते पहले मैं अपना तो ठीक कर लूं फिर और को देखूंगा, परमात्मा कहते हैं उल्टा, ये विपरीत बुद्धि होगी, विपरीत बुद्धि विरेशंती, औरों का ठीक करते जाओ और अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन कलयुग भी, कलयुग की बुद्धि क्या कहती है, पहले अपने को देख लो उसके बाद औरों को देखेंगे, नहीं, औरों को भी देते जाओ, औरों की भी सेवा करते जाओ इस ज्ञान के द्वारा, तो अपनी खुद की सेवा हो जाएगी। ये वृत्ति रखना बहुत जरूरी है, ये वृत्ति सिखाई जाती है, ये एटीट्यूड सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी में, जहां पे आप भी आकर के सीख सकते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं इस दुनिया को। धन के मामले में नहीं कह रहे हैं हम, यहाँ पर परमात्मा कहते हैं अगर आप अपने सोच से, बोल से, कर्म से अगर आप किसी की जिंदगी चेंज कर सकते हैं तो उससे बड़ी उन्नति और कोई नहीं। और आज धनतेरस का दिन है, तो सबसे ऐसा धन, ऐसा खजाना जो कि कभी लूट नहीं सकता कोई, वो है ये ज्ञान धन,
इसको कोई लूट नहीं सकता। आप धन किसी को दे देंगे, गिफ्ट किसी को दे देंगे, वो कभी टूट सकता है, लूट सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान धन नहीं, इसको आप लूट के दिखाइए, नहीं लूट सकते, मेरे मन से आप छीन ही नहीं सकते इस चीज को, ये सच्चा धन है। आज के धनतेरस के लिए आपकी भी शुभकामना, को भी शुभकामनाएं, और आपके जो प्यारे प्रियजन हैं उनको भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। इसके साथ ओम शांति।